जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक JEE PYQ सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2022 में आया था। द क्वेश्चन इज ए बॉय टाइज ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम टू द एंड ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड व्हील्स इट अराउंड इन ए हॉराइजॉन्टल प्लेन। द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन इफ द मैक्सिमम स्पीड विथ हुईच द स्टोन कैन रिवॉल्व इज के बाय पाई रिवोल्यूशन पर मिनट। द वैल्यू ऑफ के इज, ऑप्शन आर गिवेन हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या डाटा दिया गया है लिख देते हैं। मास दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 केजी। लेंथ दिया है 2 मीटर। मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स दिया है 80 न्यूटन एंड ओमेगा दिया है के बाय पाई रिवोल्यूशन पर मिनट। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक मास लगा है 100 ग्राम का, तो ये ऐसे ऐसे हॉराइजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो ऐसे हॉराइजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा मतलब टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा टेंशन, एंड ये टेंशन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन टेंशन टी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, MR ओमेगा स्क्वायर। तो स्ट्रिंग का लेंथ एल है तो हम क्या डाल देंगे, ML ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन का वैल्यू कितना दिया है 80, तो मास कितना दिया है 100/1000, लेंथ कितना दिया है 2 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 80/0.2, ये 2/10 कितना हो गया 0.2, देन ओमेगा इक्वल टू कितना है अंडर रूट 80/0.2, एंड इधर ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है K/पाई, देन K/पाई इक्वल टू अंडर रूट 80/0.2। 80/0.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखते हैं, ये हो गया 800/2, दैट इज अंडर रूट 400, इट बिकम्स 20 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो ओमेगा दिया है ये रिवोल्यूशन पर मिनट में है, तो ये हम जो 20 रेडियन पर सेकेंड है इसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, K/पाई इक्वल टू 20×60/2π रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर एक बॉडी 1 रिवोल्यूशन करेगा तो ये कितना हो गया 2π रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 1/2π रिवोल्यूशन, एंड सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए हम यहाँ 60 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू कितना हो गया 1200/2, दैट इज 600, दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।